चंडीगढ़ के श्री चैतन्य गोठलीय मठ राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर मठ मंदिर के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि राधा रानी के प्रकट समय पर राधा रानी का पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। उन्हें सुंदर मनमोहक आकर्षक पोशाक और आभूषण भेंट किए गए। इसके बाद महाआरती की गई और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय चैतन्य गौड़ीय मठ संस्थान के वर्तमान आचार्य अध्यक्ष त्रिडंडी स्वामी चंडीगढ़ में भक्तों को संबोधित किया। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज श्री चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ में राधा अष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से और विधि पूर्वक मनाया जा रहा है। राधा अष्टमी एक ऐसा महोत्सव है जिसको पूरे साल भर भक्त लोग इंतजार करते हैं कि राधा अष्टमी का महोत्सव कब आएगा, क्योंकि राधा अष्टमी का महोत्सव का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए